कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया, तो वहीं समय होने वाली शादियों पर भी कोरोना ग्रहण लग गया। कुछ परिवारों की शादी कई महीने पहले तय हो चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन में कुछ परिवारों के बच्चों की शादी की डेट आगे बढ़ गई और कुछ परिवारों में शादी कैंसिल हो गई। लॉकडाउन की वजह से जिन परिवारों में तय समय पर शादी नहीं हुई कि धर्मशाला बैंड बाजे आदि शादी की तैयारियां कर ली थी, अब उनके सामने अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि अगर शादी की डेट आगे बढ़ती है तो उन सबको व्यवस्थाएं दोबारा करनी पड़ेंगी। वहीं संगीता नाम की लड़की ने बताया कि 3 महीने पहले उसकी शादी पक्की हुई थी और पिताजी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब शादी की डेट कैंसिल हो गई है। वहीं लड़की के भाई ने कहा कि शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोरोना ने सब अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो रही है कि कैसे इसकी शादी हो पाएगी। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि शादी से जरूरी कोरोना महामारी से बचाव है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन का देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसका वह पूर्ण रूप से सम्मान भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारजनों के मन में एक उदासी सी छाई हुई है। विजय सैनी, मेरी बहन का नाम संगीता सैनी है। 3 महीने पहले शादी का तय हो गया था, सम्मेलन से शादी थी 11 अप्रैल को। अब क्या करें, इसे प्रशासन की वजह से सम्मेलन कैंसिल हो चुके हैं। साई वगैरह लग गई थी सम्मेलन, सब चीज़ की हलवाई होगी, मैरिज होम वगैरह, अब शादी कैंसिल हो चुकी है। शादी कैसे करें, तो क्या मानते कोरोना की कहर से आपकी? अब कोरोना की वजह से ही ये कैंसिल हो रहा है शादी का ब्याह वाला मामला, प्रशासन भी नहीं होने दे रहा शादी। इकट्ठा पब्लिक देख के लठिया चार्ज हो ही रहा, ये तो आप भी जानते हो। तो क्या बड़े अरमान थे कि 8 तारीख को शादी? अरमान तो सभी के थे, अरमान आगे बेटे वाले के भी कार्ड वगैरह बट गए, वो तो जोर कर भी रहा था शादी करने के लिए, या शादी कर लें, 4 आदमी इकट्ठे करके लिए, 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं होने दे रहे। लेकिन आपने सब तरह से धर्मशाला बुक कर ली और उसका कार्ड छप गए और ये सब हो गया, लेकिन अब शादी अगर आगे बढ़ती है तो फिर दोबारा ये सब आपको करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा, ये सारा बुक करना पड़ेगा हमको। क्या नाम बेटा? संगीता। संगीता, आपकी शादी कब पक्की हुई? हमारी शादी 16 तारीख को हुई थी, 3 महीने हो गए। 16 जनवरी 16 जनवरी को। आपकी शादी देखी थी आपकी? 11 अप्रैल। तो जब आपकी शादी पक्की हुई थी और डेट देखी थी, तो किस तरह से आपके पिताजी ने तैयारी की थी? कार्ड वार्ड सब बट गए, धर्मशाला भी हो गई थी उसी के अनुसार, पर ये तो अब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया, अब ये नहीं पता कि कब निकलेगी कब नहीं। तो मानते हैं कोरोना का असर आपकी शादी में भी पड़ गया? हाँ, पड़ चुका है। तो क्या ये इस तरह से ये जैसे शादी का कैंसिल होना, अगर आपकी अब शादी हो जाती तो आप 11 की होनी थी? हाँ, 11 की होनी थी, अब पता नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं है शादी वादी के बारे में, जो रुक गया सो रुक गया। पूरी तैयारी हो चुकी थी? हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई? नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा से फिर अगर डेट निकलती है तो दोबारा से सारी तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वही दोबारा से जो भी है बुकिंग वगैरह दोबारा देनी पड़ेगी, कार्ड वार्ड भी दोबारा छपवाने पड़ेंगे। अब बड़ी समस्या हो गई। बड़ी समस्या हो गया।